जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए भाई। आप सभी का यहाँ पे बहुत 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 स्वागत है। एक बार सभी बच्चे जुड़िएगा। आज हम लोग बच्चे यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छे वे में है ना, वन वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा, सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा अच्छे से जल्दी से। ओके, यहाँ पे कमेंट मैंने लगा दिया आप लोगों के लिए भाई। ये कमेंट आपके यहाँ पे लग गया। चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे एमपी का कोई भी एग्जाम आप लोग देना चाहते हो, जो भी आपकी वैकेंसीज आई हुई है, कोई भी वैकेंसीज है, तो एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पे जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। तो एप्लीकेशन पे अपने बैच आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एकलव्य बैच है आपका एमपी पटवारी के लिए, जो ये वन रक्षक या बाकी जो एग्जाम है इसके लिए नर्मदा बैच है। उसके बाद अगला जो बैच होगा आपका मेघदूत बैच, ये आपका कौन सा बैच है? स्टेनो के लिए, ठीक है, ये आपके लिए बैच है भाई। चलिएगा, तो आज हम लोग वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। पहला वन वर्ड आप लोगों के सामने है, प्लीज आप लोग ध्यान से चेक कीजिएगा। इन्होंने कहा अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव, एक ऐसी जगह जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऐसी जगह जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, है ना। ध्यान से देखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। एक एक बच्चा ध्यान से जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, बिल्कुल। देखिए स्तूप का मतलब यहां पे स्तूप हो गया, स्तूपा का मतलब यहां पे क्या हो गया? स्तूप हो गया, ठीक है। टेम्पल का मतलब आप लोग सभी जानते हो, टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर होता है। पैगोडा का मतलब होता है शिवालय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बच्चे शिवालय बोला जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, शिवालय भी आपका नहीं होगा, शिवालय भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां पे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी आप सभी का जवाब होगा। एक बार सभी बच्चे लिख लीजिएगा इसको, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सभी लिख लो इसको, एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से। सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा अच्छे से पढ़ने की। जहां पे भी आपको लगे कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइएगा भाई, यदि कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो, ठीक है। चलिए बिल्कुल ओके, चलिए आगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग बताइएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहां पर है। इन्होंने कहा अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक बहुत बड़ा बंडल बना दिया जाता है स्टोरेज के लिए या आगे यहां से वहां पहुंचाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला जाएगा? देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं आपको, यहां पे ऑप्शन बी बेटा बेवी होता है लड़कियों का समूह। बेवी क्या होता है? महिलाओं का जो समूह होता है उसे बेवी बोलते हैं। तो बेवी तो यहां पर मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा, बेवी तो आपका नहीं आएगा। ये होता है फूलों का गुच्छा, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब होता है कुछ अलग है, बच्चों से संबंधित या अंडों से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। बेल कहना ऑप्शन आपका यहां पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा। सभी बच्चे ऑप्शन ए को यहां पे लिखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए चीजों को समझने की, जहां पे भी आपको लगे समझ में नहीं आया है तो आप लोग बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, एक बार जो बच्चे आ चुके हैं वो सभी बच्चे सेशन को लाइक और सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी काम आपका है भाई, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे जाओगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा अ पर्सन हु, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन बेटा जिसका काम होता है मैप को बनाने का या मैप को खींचने का, मतलब जिसका काम मैप को बनाने का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसका काम होता है मैप को बनाने का, मैप को लिखने का, मैप को डिजाइन करने का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आज की जो क्लास है उसमें आप लोगों के लिए है वन वर्ड का टॉपिक, यानी कि वन वर्ड आप लोग यहां पे पढ़ने वाले हो। वन वर्ड का मतलब क्या होता है? वन वर्ड का मतलब होता है बच्चे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे हम लोग बोलते थे भगवान में विश्वास रखने वाला, वो क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। न रखने वाला नास्तिक हो जाएगा। ऐसी चीजें जो हम लोग बोलते थे वही चीजें आज आपके सामने है। कोशिश कीजिएगा ध्यान से डिटेल में पढ़ने की, ठीक है।
एक ऐसा इंसान जो मैप का स्पेशलिस्ट होता है, मैप लिखने का जिसका काम होता है, उसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब हो गया अंगेठी से संबंधित, अंगेठी से संबंधित, ये तो नहीं आएगा, है ना। ये जो वर्ड होता है बेटा, ये डांस से संबंधित होता है। ये जो वर्ड होता है ये किससे संबंधित हो गया? डांस से संबंधित हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है लिखने वाला, और कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। कैली का मतलब क्या होता है? कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल होता है, मतलब जिसकी राइटिंग ब्यूटीफुल हो, जो बहुत बढ़िया लिखने वाला हो, उसे बोला जाता है कैलीग्राफर। यह भी नहीं होगा। देखिए, यदि मान लिया आपको वर्ड मिलता है कार्टो, इसका मतलब होता है भाई मैप होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा मैप हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन आ जाना चाहिए। ऑप्शन सी आप लोगों का सभी का बेस्ट ऑप्शन यहां पे सही होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने बोला अ पर्सन, देखिए इसको कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने की। एक ऐसा पर्सन जिनको क्या किया गया, अथॉरिटी दी गई है टू एग्जामिन, मतलब एक जांच पड़ताल करने की, एंड वेरीफाई, और उसको क्या करने की, वेरीफाई करने की, किसको? अकाउंट को। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिश कीजिए, सभी बच्चे सेशन को भी शेयर कीजिए, है ना। ओके भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। देखिए भाई, यदि आप ऐसे आओगे तो फिर मुझे क्लास बंद करने का ऑप्शन लेना पड़ेगा। यदि आप ऐसे आओगे, इतने बच्चों में तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा भाई। मैंने अपनी सभी कोशिशें की हैं, है ना, एक एक चीज आपको पढ़ाई है। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको ना पढ़ाता हूं। मैंने वन वर्ड आपको समझा दिए, कल सिनोनिम पढ़ाए हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा के देख लिया, सभी चीजें कोशिश की है। यदि आप लोग जगोगे ही नहीं तो कैसे क्लास हो पाएगी? तो आपको जगना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी पढ़ने की। यदि पढ़ोगे साथ के साथ में जवाब दोगे तो सामने वाले का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सामने वाले को कहते हैं कि मनोबल बढ़ता है कि हाँ यार, मैंने अपना एफर्ट सही जगह लगाया हुआ है, मैंने अपना जो एफर्ट है वो सही जगह डाला हुआ है। ऐसा मजा आता है। यदि आप चाहते हो भाई ऐसे ही चलना है तो फिर ठीक है, आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही पे, तो ठीक है। मैं एकलव्य बैच में आपकी इंग्लिश पढ़ाता हूं तो एकलव्य बैच पढ़ाए जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं है, है ना। तो थोड़ा सा साथ दीजिए यार आप लोग, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। तो इन्होंने कहा एक ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी दी गई है एग्जामिन और वेरीफाई करने की अकाउंट को, तो उसे क्या बोला जाता है? देखिए, इसका मतलब होता है चीजों को भेजने वाला भाई, जगह जगह पहुंचाने वाला चीजों को, है ना, जैसे बुक्स को जगह जगह पहुंचाने वाला, दुकानों पे मतलब उसको भेजने वाला, तो ये तो नहीं होगा। एंकर होते हैं बेटा, जो टीवी या आपने देखा होगा रेडियो या टीवी पर जो एंकरिंग का काम करते, एक नाटक में जो काम करते हैं ना, ये भी नहीं होगा। ये होता है जो मैच में काम आते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। बी नहीं आएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। इसको लिख लेना भाई, ऑप्शन डी आप लोगों का सभी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, बिल्कुल, बस कोशिश कीजिए ध्यान से पढ़ने की, ध्यान से, एक एक बच्चा ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने कहा एक ऐसा प्लेस, अ प्लेस वेयर कॉइंस आर मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसी जगह जहां पे बच्चे क्या है, सिक्कों को बनाया जाता है, सिक्कों को ढाला जाता है, सिक्के जहां पे बनते हैं, है ना, उसे उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन मिंट है, उसके बाद माइन है, उसके बाद वेयर हाउस है, उसके बाद ये है। तो देखिए, आप लोग देखोगे यहां पे इसका मतलब होता है टकसाल। टकसाल क्या होती है? एक ऐसी जगह जहां पे सिक्कों को ढाला जाता है, बनाया जाता है। तो ये तो आपका सही हो गया ऑप्शन ए। वेयर हाउस होता है माल गोदाम, जहां पे सामान को रखा जाता है, ये कोई कंपनी हो गई। माइन का मतलब जैसे खादान हो गई, कोयले की खादान हो गई, वो आपका हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन यहां पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लिख लो, जितनी चीजें आपको देने लगा हूं उसको लिख लेना, ठीक है। एक एक चीज काम आएगी आप लोगों के, एक एक जगह काम आएगी आप लोगों के, ठीक है। बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया है, जवाब दो आप लोग, कोई बात नहीं, जितने बच्चे हो आप जवाब दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, मुझे भी मजा आएगा। एक ऐसा पर्सन जो प्रेजेंट करता है, एक अ पर्सन हु प्रेजेंट एंड एक्ट एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज प्रोग्राम, ये वही आ गया, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, मान लिया कोई भी टीवी आप लोग देखते हो या रेडियो आप लोग सुनते हो, टीवी में आपने देखा होगा, मान लिया कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हो भाई, डांस इंडिया डांस का उठा लो, है ना। तो एक ऐसा इंसान होता है जो जो नाटक होगा आपका, जो सीरियल होगा, उसको आगे लेके चलता है ना। वहां पे एक एक चीज आपको वो बताता है,
वो आपको समझाएगा कि हाँ भाई साहब जो टीवी पे अभी होने वाला है, हम किसको बुलाने वाले हैं, अब क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, वो मतलब बताता है आइए अब इसका ये स्वागत है, आइए अब इसको बुलाते हैं, अब ये होगा, अब आने वाले 20 मिनट में क्या होने वाला, आने वाले 10 मिनट में क्या होने वाला। इन सभी चीजों पर जो काम करने वाला इंसान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंकर। एंकर बोलते ना भाई साहब आज मस्त एंकर था, मजा आ गया, है ना, वो बीच बीच में मजाक भी, बीच बीच में किसी को बुलाएगा, बीच बीच में हंसाएगा, एंकरिंग करने वाला होता है जो। तो यहां पे मुझे लगता है जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। इन्होंने कहा कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, एनिमल डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वॉटर, मतलब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं भाई जो, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, यानी कि पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले एनिमल को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एम्फीबियन, है ना, एम्फीबियन बोलते हैं। और एम्फीबियन को हिंदी में क्या बोला जाता है, एम्फीबियन को हिंदी में बोला जाता है उभयचर, उभयचर। एक बार ये लिख लेना हिंदी में, है ना, इसको आप लोग लिख लेना भाई सभी बच्चे, आया समझ में। देखिए ध्यान से पढ़ोगे तो सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके बिल्कुल बिल्कुल भाई, एम्फीबियन होता है, देखो बच्चों के जवाब भी यहां पे आने आ चुके हैं। इसका मतलब होता है बेटा एक केसूर, केसू के जो कोशिकाएं होती है उससे समझ होता, कशेरुकी शायद कुछ ऐसा वर्ड होता है इसका, ठीक है। मैमल का मतलब होता जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और ये जो वृक्षीय आप लोग इसे बोल सकते हो, वृक्षीय है ना, ये आपका हो जाएगा। बाकी जो अपना मेन जवाब था वो आपका हो जाएगा एम्फीबियन, और एम्फीबियन को हम बोलते हैं उभयचर, मतलब जो दोनों जगह पे रहते हैं, जो दोनों जगह पे रहते हैं। ओके बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल आ गया सभी का। देखिए हाँ ऐसे जवाब दोगे तो मजा आएगा क्लास में। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। इन्होंने कहा अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि जो 10 सालों का समय होता है उसे क्या बोला जाता है। ये तो हजारों वर्षों का समूह हो गया, है ना, हजारों वर्षों का समूह, ये हो गया एक पखवाड़ा जो 15 डेज के बाद टाइम आता है, ये हो गया शताब्दी, ये भी नहीं आएगा। डीके होता है जो 10 सालों का एक समूह होता है, 10 सालों के बाद जो होता है, 10 सालों का जो समूह होता है उसे हम डीके बोलते हैं। ओके सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए ना, ओके थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा बच्चे, जो ये बच्चे आए हुए ये भी भाग जाएंगे फिर। ओके बिल्कुल भाई साहब चलिए आगे समझ में। हाँ डीके यहां पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए भाई आगे हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा एक ऐसा प्लेस जहां पे कपड़ों को रखा जाता है, एक ऐसा प्लेस जहां पे कपड़ों को रखा जाता है। यदि मैं यहां पे ऑप्शन ए को लेता हूं, इसका मतलब होता है बेटा शव पेटी, जहां पे क्या शव को रखा जाता है, इसका मतलब हो जाएगा शव पेटी हो जाएगा। शाफ्ट का मतलब होता है तीर या बाण, बाण जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा। हैंगर का मतलब क्या होता है, हैंगर का मतलब हो जाएगा जहां पे जहाजों को रखा जाता है, यानी कि इसे हिंदी में बोला जाएगा विमानशाला, इसे बोला जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको लिख लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, है ना, ऐसे जवाब दोगे तो मजा भी आता है क्लास में। बी 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 बी, ओके ओके चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। 10वें क्वेश्चन का जवाब यहां पे पूछा गया है। इन्होंने कहा अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कम बोलता है, मतलब बहुत ही कम बोले, बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं, वो बोलते ही नहीं है, वो बिल्कुल ही कम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि यार इसने कुछ बोला ही नहीं, है ना, बिल्कुल ही कम बोलते हैं। तो बहुत ही कम बोलने वाले इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बोलते हैं, या एडामेंट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एडामेंट का मतलब होता है बोल्ड, यानी कि जो अटल होता है, जो कैसा होता है, जो बिल्कुल अटल होता है अपनी चीजों पर, ठीक है। रेटिसेंट होता है जो कम बोलता है, मतलब जिसको कहते हैं यार तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, जो बहुत ही कम बोलता हो। कॉन्फिडेंट होता है जिसपे जो आत्मविश्वासी होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इलोक्वेंट होता है एक अच्छा वक्ता जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो ये तो आपसे पूछा ही नहीं गया, आपसे ये पूछा गया है जो बहुत ही कम बोलता हो। तो ऑप्शन यहां पे क्या आ जाएगा, रेटिसेंट ऑप्शन यहां पे आ जाएगा, रेटिसेंट यहां पे बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल भाई साहब आ गया,
सभी का जवाब आ गया। देखो कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे ऐसे जवाब देते हो। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कि एकदम बहुत ज्यादा भीड़ में, इतनी ज्यादा भीड़ में एकदम एनिमल आ जाते हैं और भयभीत एनिमल ऐसे ऐसे भागते हुए, कभी ऐसे ऐसे देखते हुए, और बिल्कुल वो उसके आगे। ऐसे पीपल भी होते हैं जो भयभीत होते हैं, एक ज्यादा संख्या में एकदम आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा स्टैम्पेडे, है ना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, लिख लेना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल आ जाएगा। स्केप गोट होता है बलि का बकरा, है ना, मतलब जो दूसरों को कष्ट दे, खुद बच जाए बाकियों को कष्ट दे, ये तो आपका नहीं होगा। लिवेंसी का मतलब होता है बेटा पागलपन, बावलापन, पागलपन होता है, ये भी नहीं होगा। रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी टाइप का, जो सन्यासी होता है, जो वैरागी होता है, जो एकांतवासी होता है उसे बोलते हैं एकांतवासी। नहीं, लुनेसी होता है बेटा, लुनेसी का मतलब पागलपन होता है, लुनेसी का मतलब क्या हो जाएगा? पागलपन हो जाएगा, इसको लिख लेना है, समझ आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इन्होंने कहा एक ऐसा फिगर जिसकी कितनी दिशाएं होती है, जिसकी कितनी साइड होती है, आठ होती हैं। एक ऐसा फिगर जिसकी आठ भुजाएं होती हैं, आठ साइड होती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे। यहां पे जाओगे बेटा, हेप्टा का मतलब कितना होता है? सेवन होता है। हेप्टा का मतलब सेवन होता है, हेक्सा का मतलब सिक्स होता है, पेंटा का मतलब फाइव होता है, और ऑक्टा का मतलब एट होता है, नैनो का मतलब नाइन होता है, डेका का मतलब दस होता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्टा का मतलब एट होता है, पेंटा का मतलब पांच होता है, हेप्टा का मतलब सात होता है, और यहां पे गिवन है आपका हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब सिक्स होता है, नैनो का मतलब दस होता है, डेका का मतलब नहीं, नैनो का मतलब नौ होता है, और डेका का मतलब क्या होता है? दस होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एट साइड मतलब जो आठ भुजाएं जिसकी होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं। ऑक्टागन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके फाइनल भाई, बिल्कुल सही है, सभी का सही है, मजा आ गया ना यहां पे, बिल्कुल भाई साहब। ओके चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला गया है एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी ना जीते, एक ऐसा गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, मतलब जिसमें कोई भी ना जीते, एक ऐसा गेम बच्चे जिसमें कोई भी ना जीते, मतलब भाई मान लिया इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 300 प्लस नंबर बना दिए, पाकिस्तान ने भी उतने बना दिए, दोनों के क्या 310 हो गए, कोई भी नहीं जीता, जिसमें कोई भी ना जीते उसे क्या बोलते हैं? देखिए फ्लोप नहीं आएगा, फ्लोप तो आप लोग जानते हैं, कोई मूवी फ्लोप हो गई, है ना। क्विट का मतलब छोड़ना होता है, त्याग देना, छोड़ना, बंद करना। इक्वल का मतलब बराबर होता है, लेकिन जब कोई भी पार्टी ना जीते उसको वो क्या होता है? मैच आपका ये हो जाता है, ऑप्शन ए बताइएगा, ऑप्शन ए आपका यहां पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, लाजवाब बिल्कुल। ओके देखिए आप लोग सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा, सभी बच्चे सेशन को भी शेयर कीजिएगा। अच्छा एक छोटी सी न्यूज आपको मैं देना चाहूंगा भाई, अभी न्यूज क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत से बच्चे हैं एमपी के जो मुझे सूचना मिली है, और अच्छा भी लगा कि एमपी वाले बहुत से बच्चों ने मेरा बैच भी ज्वाइन किया है। तो एक बार मैं सभी को बता दूं, जो बच्चे आज नए नए हैं, कुछ बच्चे नए जुड़े हुए हैं, तो एक बैच आ चुका है अनिल बैच, है ना, अनिल बैच आ चुका है, इंग्लिश का स्पेशल बैच है भाई, बहुत ही बढ़िया बैच, लाजवाब बैच। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो इंग्लिश को, यदि आपका सपना है कि आपको एमपी के एसआई का एग्जाम देना है या एमपी का आपको पटवारी का एग्जाम देना, 25 में से 25 नंबर चाहिए हैं, तो इंग्लिश के इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। आपके सभी के लिए ये बैच है, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया बैच है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिएगा, सभी बच्चे इस बैच में आइएगा। यहां पे अलग से क्या मिलेगा, 4500 प्लस क्वेश्चन दूंगा, यानी कि टॉपिक वाइज 300-300 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी विद सॉल्यूशन। इसके अलावा बच्चे क्या होगा यहाँ पे, इसके अलावा 2500 प्लस आपको वोकैब दूंगा, और लगभग 50-60 आपको क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ये इस बैच की खासियत है, डेली 8 बजे आपकी क्लास होगी, बहुत ही बढ़िया लेवल पे, बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लास होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक ऐसी जगह का नाम पूछा गया है जहां पे प्लांट को पैदा किया जाता, उगाया जाता, बढ़ाया जाता है, किस चीज के लिए, बेचने के लिए, है ना। कभी कभी आप लोग देखते हैं भाई प्लांट को क्या है, भाई यहां पे ये जगह है, प्लांट को क्या है, थोड़ा सा बड़ा किया जाता है उसको बेचने के लिए। यदि प्लांट को बेचने के लिए किसी जगह पे बड़ा किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
उसे बोला जाएगा नर्सरी बोला जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहां पे द बेस्ट ऑप्शन होगा, लिख लीजिएगा बी ऑप्शन आपका कतई बेस्ट ऑप्शन होगा यहां पे, ठीक है। ये बाग बगीचा होता है सिंपल, ये भी नहीं आएगा। ये होता है बेटा पक्षियों के, जो पक्षियों के लिए जो जगह होती है, यानी कि इसको हम लोग चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं, चिड़ियाघर भी आप लोग इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो क्या है, जो बिना किसी एक्सक्यूज के, जो एक आलसी स्टूडेंट बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिना किसी एक्सक्यूज के क्लास से गायब हो जाएं और बिना किसी परमिशन के भाग जाएं, है ना, किसी भी कोई परमिशन किसी की नहीं ली लेकिन स्कूल से भाग गए, उसे क्या बोला जाएगा। उसे बेटा देखिए इसका मतलब होता है दाएं बाएं घूमने वाले, खाना अफदोष टाइप के, यहां से कभी वहां, है ना। माइग्रेंट भी आप लोग समझते हैं ऐसे ही घूमने वाले होते हैं, घुमक्कड़ बोल सकते हो। वैग्रेंट का मतलब होता है खाना अफदोष, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आपका बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा। आज तो कसम खा के आए तुम लोग हैं कि आज हम लोग बढ़ेंगे नहीं, आज हम पढ़ने वाले नहीं है ना। ऐसे क्या कसम खा के आए भाई, मुझे बता दो, हैं? मुझे बता दो ऐसे क्या कसम खा के आए आज, क्या हो गया, समझ नहीं आया हुआ क्या? एक बार बताइएगा आप लोग, समझ में आया हुआ या नहीं आया हुआ, सभी बच्चे बताइएगा समझ में आया हुआ या नहीं आया हुआ आप लोगों को। हाँ बताइए समझ में आया हुआ, पता नहीं यार कैसे जागोगे तुम लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आ रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, 16वां क्वेश्चन। अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यहां पे यूजुअल एल आएगा साथ में। अ पर्सन प्लेस और प्लांट, मतलब अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से कोशिश कीजिएगा। ओके ध्यान से भाई, एक एक बच्चा बिल्कुल देखिएगा। एक ऐसा पर्सन एनिमल और प्लांट जो क्या होता है बेटा, यूजुअल हाइट जिसकी क्या होती है, यूजुअल हाइट से जो कम होता है, तो हम उसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बोना बोलते हैं। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसका मतलब जीव जंतु हो गया, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, है ना, जादूगर होता है भाई, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब होता है भाई जैसे राक्षसी हो गया, है ना, राक्षस टाइप का हो गया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन पे आप लोग सभी बच्चे क्लिक कीजिएगा, चलेगा। इन्होंने कहा अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल, एक ऐसी फैमिली किसकी, यंग एनिमल की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। यंग एनिमल की जो फैमिली होती है बच्चे, उसे क्या बोला जाता है, ध्यान से, मुझे लगता है सबका जवाब यहां पे सही आ जाएगा, सबका जवाब यहां पे बिल्कुल सबका सही आना चाहिए, बिल्कुल भाई साहब। ओके ऑप्शन डी यहां पे आ गया बेटा। जो फैमिली ऑफ यंग एनिमल होता है उसे बोला जाएगा क्या, उसे बोला जाएगा ध्यान से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ब्रूड बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगली चीज यहां पे गिवन है क्लच, यहां पे इसका मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, शिकंजा कसना या किसी चीज को पकड़ना हो गया। नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, इसका मतलब संतान होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। सभी बच्चे एक बार बताइएगा ऑप्शन डी किस किस बच्चों का आ चुका है। बिल्कुल भाई ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ओके आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, इनको लिख लीजिएगा, एक एक बच्चा इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग और ओपन फायर। कभी कभी ऐसा होता है एक बहुत बड़ा क्या ले लिया जाता है, डीप मेटल पॉट, जिसको एक खुली आग में रखा जाता है कोई चीज पकाने के लिए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखिएगा सबसे पहला वर्ड है यहां पे बैरल, इसका मतलब होता है बेलन भी हो सकता है, इसका मतलब ऐसे देखा जाए पीपा भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, ढोल हो सकता है, कई इसके मीनिंग निकलेंगे। तो ये तो ऑप्शन मुझे लगता है यार नहीं जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया स्किल्ट, आ गया स्किल्ट को हम लोग तवा भी बोलते हैं, स्किल्ट को क्या बोलते हैं, तवा भी स्किल्ट को बोला जाता है।
या इसका एक और मतलब होता है बेटा डेगची, इसका मतलब होता है डेगची होता है, तवा या डेगची टाइप का होता है, तो मुझे लगता है बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। कैटल का मतलब होता है केतली होता है, कैटल का मतलब क्या हो जाएगा केतली हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कड़ाहा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको कड़ाहा या कड़ाही बोला जाता है। आ जाएगा फाइनल है, कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया तो आप लोग बता सकते हो कि हमें समझ में नहीं आया। आपके स्पेशल बैच में कितनी क्लास हो चुकी है बेटा, ज्यादा नहीं हुई है, नाउन की दो क्लास हुई है बस, ठीक है, नाउन की केवल दो क्लास हुई है, आप उस बैच को ले सकते हो। ओके चलिए भाई आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल आ गया समझ में सभी को, ध्यान से देखिएगा, एक एक बच्चा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ 19 क्वेश्चन, अ पर्सन विद ऑड पर्सनैलिटी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी क्या होती है, जो पर्सनैलिटी होती है वो अद्भुत होती है या विचित्र होती है। ओड का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ओड का मतलब हो जाएगा विचित्र हो जाएगा, ये आप लोग लिख सकते हो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला वर्ड बच्चे ये आपका बिल्कुल सही है, यही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एगोइस्ट होता है घमंडी टाइप का, जिसको अपने आप आत्महितेशी बोल सकते हो, जो कहता है मैं ही हूं, है ना। एंटोमोलॉजिस्ट होता है कीट पतंगों का अध्ययन करने वाला, कीट पतंगों का अध्ययन करने वाला, यानी कि कीट विज्ञानी बोल सकते हो, कीट विज्ञानी इसको बोल सकते हो, है ना। और इकोलॉजिस्ट होता है जो इको को मतलब क्या करे, इको का जो विज्ञानी हो, है ना, इसको हिंदी में बोला जाएगा, हिंदी में एक वर्ड होता है परिस्थितिकी विज्ञानी, ये आप लोग लिख सकते हो भाई। चलिए स्थिति की, स्थिति की ये होता है हिंदी में, बहुत बड़ा सा है मुझे तो पता नहीं है, ये आपका हो जाएगा। ओके फाइनल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता हो। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बच्चे एक मेहनत की नीड होती है ना। यदि आप लोग मिलके देखो आओगे, मैंने ये देखा कि आप लोग क्या है, बेसिक टॉपिक होते हैं तो ज्यादा बच्चे आते हैं। मैंने कोशिश की सभी टाइप के टॉपिक समझाने की, पहले क्वेश्चन लिया ठीक ठाक बच्चे आओगे, मैंने बेसिक समझाया तो ज्यादा आ गए, उसके बाद मैं वोकैब लेके आया तो सभी भाग गए। तो तुम लोग वो पढ़ना चाहते हो भाई, हमें बेस समझा दो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो बेसिक सीखना है। तो यदि बेसिक सीखना है तो आपके पास पेड बैच है, जैसे इंग्लिश का अनिल बैच हो गया, उसको ले सकते हो, एकलव्य बैच को ले सकते हो, है ना, नर्मदा बैच को ले सकते हो, ये सभी बेसिक बैच है हम लोगों के, इनको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैंने कोशिश की आपको सभी टाइप से समझा के देखने की। तो भाई यदि बेसिक सीखना है बच्चे, अब यूट्यूब पे बच्चे मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस भी मांगते हैं, यदि हम यूट्यूब पे सब कुछ बेसिक पढ़ाने लग गए तो एप्लीकेशन में बच्चा कहेगा कि आपने सब कुछ वहां पे पढ़ा दिया, हमसे पैसा क्यों लिया, है ना। तो कोशिश कीजिए चीजों को समझने की, यदि बेसिक सीखना तो एकलव्य बैच में आ जाओ, और कोशिश किया करो एक एक चीज को अच्छे वे में समझने की, है ना। सभी चीजें काम आती है, जैसे देख मान लिया यहां पे इतने ऑप्शन आ गए, इनको खुद लिख के देखिए, आप खुद लिख के देखिए भाई इनका सही ऑप्शन क्या होगा, एक एक बच्चा इनको लिख के देखेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे सबसे पहले चाहते हैं एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता हो, एक ऐसा इंसान जो को बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है। यहां पे वर्ड लिबरल, इसका मतलब होता है उदार, ये तो नहीं आएगा, इसका मतलब हो गया लालची हो गया, ये भी नहीं आएगा। ओबीज का मतलब होता है जो मोटा होता है, जो मोटा होता है उसे ओबीज बोलते हैं। तो मुझे लगता है यहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ग्लूटन कहना यहां पे बिल्कुल सही होगा, ग्लूटन कहना यहां पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पे पूछा गया बेटा किसी की जीवनी लिखी जाए, किसी संबड़ी के द्वारा, किसी की जीवनी किसी के द्वारा लिखी जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब किसी की जीवनी, है ना, यदि कोई जीवनी अपनी खुद ही लिखता है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। जब मान लिया मैं अपनी जीवनी खुद ही लिखूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया। यदि मेरी जीवनी कोई और लिखे तो वो होगा बायोग्राफी होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां पे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका आ जाएगा, बायोग्राफी यहां पे बिल्कुल सही होगा। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है, बिब्लियो को याद करना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। बिब्लियो का मतलब होता है बच्चे बुक होता है, ये आप लोग लिख लो, बिब्लियो का मतलब बुक होता है, और जो बुक को लिखने वाला होता है वो बिब्लियोग्राफी होता है। आ गया समझ में, आ गया सभी को, कोई ऐसा बच्चा जो कहता हमें समझ में नहीं आया तो बता दो। म्यूजियो का हो गया, म्यूजियम से संबंधित हो गया, म्यूजियो का म्यूजियम से संबंधित हो गया, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया भाई, लाजवाब। ध्यान से एक एक बच्चा, बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा बच्चे, यहां पे बायोग्राफी आएगा। आगे जाओगे, इन्होंने कहा एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को क्या माने, बेस्ट माने। भाई कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने आप को बेस्ट मानते हैं, भाई जो हूं मैं हूं बस, है ना। भाई कोई भी इंसान है वो अपने आप को बेस्ट मान लेगा, भाई जो हूं वो मैं हूं, इतना मान लेगा, अपने आप को बेस्ट मान के खड़ा हो जाएगा। जो अपने आप को बेस्ट मानता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऑप्शन यहां पर गैरुलस। तो गैरुलस होता है बेटा बातूनी। बातूनी मतलब जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, जो हद से ज्यादा बोलने वाला होता है। सेल्फिश होता है जिसको केवल खुद से मतलब होता है, बाकियों से मतलब नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जिसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? ऑड पर्सनैलिटी, ऑड पर्सनैलिटी, यानी कि जो अद्भुत होता है, विचित्र होता है। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एगोइस्ट हो जाएगा, जो घमंडी टाइप का होता है, जिसको अपने आप पे ज्यादा वो होता है, बस जो हूं मैं ही हूं, ठीक है, जो हूं बस मैं ही हूं, ऐसा हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा बच्चे एक ऐसा फिगर जिसकी कितनी साइड होती है, जिसकी 8 साइड होती है, 8 भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं, उसे क्या बोला जाता है? ऑक्टागन, हेक्सागन, या पेंटागन, या पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समांतर, तो ये तो नहीं आएगा। ऑक्टा का मतलब होता है 8, हेक्सा का मतलब होता है 6, पेंटा का मतलब होता है 5। 8 पूछा गया तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑक्टागन कहना आपका बिल्कुल सही होगा। लिख लेना यहां पे, ऑक्टागन कहना आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे पूछा गया बच्चे एक क्वेश्चन, यहां से पूछा गया, इन्होंने बोला अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु सफर, मतलब जो सफर करता है फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, जो मतलब एक काल्पनिक चीजों से, है ना, काल्पनिक चीजों से क्या करता, सफर करता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे जाओगे पैरानोइड बोला जाएगा, क्लेप्टोमैनिया बोला जाएगा, या हाइपो क्या बोला जाएगा, या आपका यहां पे मेगालोमैनिया बोला जाएगा। मेगालोमैनिया क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेगालोमैनिया होता है बेटा अहंकार से संबंधित, अहंकार से संबंधित, और ये होता है एक पीड़ित इंसान जो होता है, जो बहुत ज्यादा वैसे ही पीड़ित होता है। क्लेप्टोमैनिया होता है चीजों को चुराने का, यानी कि चोरी करने का पागलपन, करने का पागलपन, ये भी आपका नहीं होगा। तो मुझे लगता है यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा। हाँ, कोशिश कीजिए एक एक बच्चा ध्यान से समझने की, जो चीजें आपको समझ में आए तो मुझे बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, है ना। जहां पे भी आपको लगे कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो भाई, बिल्कुल ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा एक ऐसा पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को लिखने का काम करे, लिखने का काम करे, या उसको बनाने का काम करे। देखिए एक वर्ड में आपको बताता हूं बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि मान लिया आपसे कल पूछा जाए कि डिक्शनरी का सिनोनिम बताओ क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकन बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लेक्सिकन। यदि कल आपके एग्जाम में आ गया भाई इसका सिनोनिम क्या होगा, तो आप लोग क्या लिखोगे? लेक्सिकन होता है। और डिक्शनरी को लिखने वाला क्या हो गया? लेक्सिकोग्राफी हो गया, लेक्सिकोग्राफर हो गया। तो मुझे लगता है यहां पे लेक्सिको वर्ड किससे संबंधित हो गया? डिक्शनरी से। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। ये लेखक होता है, ये भी आपका लेखक होता है ना। तो यहां पे जाओगे भाई साहब लिंग्विस्टिक आपका होता है, जो बहुभाषी होता है, ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। हाँ चलिए, हो गया। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बता सकते हो, बिल्कुल भाई साहब, लाजवाब। आ गया ना, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से समझते हुए चलो। जहां पे भी आपको लगे कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कहा अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, यानी कि क्या है लिस्ट ऑफ नेम, एक तालिका की बातें की गई है, तालिका यानी कि कुछ थिंग्स को बिल्कुल एक उसमें रखा जाए, एक तालिका में, एक बिल्कुल अच्छे वे में रखा जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस होता है बेटा, मैप से संबंधित होता है। किससे संबंधित हो जाएगा? ये मैप से संबंधित हो जाएगा, यानी कि इसको बोला जाता है मानचित्रावली। ये आप लोग यहां पर ले सकते हो। डिक्शनरी मैंने आपको बता दिया, लेक्सिकन होता है, ये नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो मुझे लगता है यहां पे कैटालॉग कहना बिल्कुल सही हो जाएगा, कैटालॉग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके,
हिंदी मीडियम से हूं सर, इंग्लिश नहीं आते मुझे, हिंदी मीडियम से। देखो बच्चे आप पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है भाई, हिंदी मीडियम के बच्चे ही एग्जाम निकालते हैं आजकल, आपको नहीं पता हो, ठीक है, हिंदी मीडियम के ही बच्चे क्या निकालते हैं, एग्जाम को निकालते हैं, ओके। लेकिन मेहनत अच्छी होगी ना तो आपको सब आएगा, कोशिश कीजिएगा, मेहनत अच्छी होगी तो आपको सबको समझ में आएगा, ठीक है। इन्होंने कहा एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था किस चीज में, इन अ पर्टिकुलर फील्ड, मतलब क्या है इन अ पर्टिकुलर फील्ड का, फील्ड का मतलब क्या हो गया, एक किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है किसमें, एक स्पेसिफिक फील्ड में। जैसे मान लिया भाई कोई भी होता, जैसे मान लिया टीचर हो गए, अब कोई साइंस का टीचर है, कोई जीके का है, कोई रीजनिंग का है, कोई मैथ्स का है, कोई इंग्लिश का है, तो हम लोग क्या मानते हैं भाई, उसके पास एक लंबा एक्सपीरियंस होगा अपने सब्जेक्ट का। जैसे साइंटिस्ट होते हैं तो साइंटिस्ट को हम लोग क्या मानते हैं भाई, इसका ना साइंस में इसकी बहुत तगड़ी नॉलेज होगी, तभी तो हम साइंटिस्ट बोलते होंगे ना उसको, है ना। तो यहां पे जाके देखोगे तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे जाओगे बच्चे, ये आपका होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसका मतलब था नौसिखिया, नौसिखिया मतलब जो नया नया सीखने लगा हुआ है, नहीं होगा। आगे जाओगे नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपोलिटन, इसका होता है बेटा विश्ववादी, मतलब महानगरीय आप लोग बोल सकते हो, महानगरीय यहां पे हो जाएगा। एक होता है स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है तटस्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको क्या है, जिसको किसी भी चीजों से मतलब नहीं है, सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है, उसे स्टोइक बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो गया, तो मुझे लगता है यहां पे बेस्ट ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, अ होलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट, इसे क्या बोलते हैं, अ होलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट, उसे हम लोग क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा बच्चे नीचे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। ये कोने से संबंधित हो गया, नुक भी कॉर्नर या कोना होता है, इसका मतलब स्लॉट का मतलब क्या हो जाएगा, स्लॉट का मतलब होता है दरार, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, लिख लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, लिख लेना। बिल्कुल भाई साहब, ओके, ध्यान से एक एक बच्चा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल भाई साहब आ गया, सभी का सही हो गया, बिल्कुल। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। सर जी आपका इंग्लिश स्पेशल कोर्स है क्या, मुझे लेना है वास्तविकता, बच्चे अभी तो बताया, अभी बताया आपको दो मिनट पहले, देखिए दो मिनट पहले बताया, यदि बेसिक पढ़ना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हो भाई, यदि बेसिक पढ़ना चाहते हो मुझसे, यहां काम गया है नहीं क्या, एक तो ये है भाई, ये आपका एक कोर्स है, एक इंग्लिश पढ़ना चाहते हो बिल्कुल स्पेशल इंग्लिश पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आपका इंग्लिश का बैच आ गया, देखो ये आपका स्पेशल इंग्लिश का बैच है, जिसको इंग्लिश का बैच लेना है, ठीक है, ये आप केवल इंग्लिश का बैच है, आप इसको ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको बिल्कुल बेसिक से नाउन का टॉपिक चला हुआ है, नाउन की केवल दो ही क्लास ली है मैंने, नाउन की दो ही क्लास ली है, आप इस बैच में आ सकते हो, ठीक है, और पढ़ना चाहते हो तो आ सकते हो, कल सुबह 8 बजे क्लास होगी, सभी बच्चे इस बैच को ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस है, 599 फीस है, इससे ज्यादा है तो, इससे कम तो क्या ही लोगे, और कूपन कोड है अनिल50, कूपन कोड यूज कीजिएगा अनिल50, ऑटोमेटिक आपकी फीस कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे, 22 हो गया, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, 25 भी हो गया, 26, 27, 28, 28 क्वेश्चन पढ़ दिए, 29वें क्वेश्चन पे आ गए भाई, 29वें क्वेश्चन पे आ गए, ध्यान से देखिएगा 29वां क्वेश्चन, इन्होंने कहा एक ऐसा स्पेशलिस्ट, मतलब जब भी स्पेशलिस्ट बोला जाए ना, IST पीछे आ जाए तो समझ जाना किसी पर्सन की बातें चली हैं, किसी व्यक्ति की बातें चली हैं, एक ऐसा पर्सन बेटा जिसका काम होता है नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी डिजीज है, जो भी डिजीज है उसका इलाज करना, यानी कि एक ऐसा इंसान जो नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जो नर्वस सिस्टम का क्या होता है स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, जो नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है, यहां पे जाओगे न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, बिल्कुल
न्यूरो का मतलब नर्वस से संबंधित हो गया, तो ऑप्शन ए आपका बेस्ट होगा। ऑर्थोपेडिक यहां पे नहीं होगा, है ना, ये तो आपका नहीं होगा, हड्डियों से हो गया या विकलांग से संबंधित हो जाएगा। गायनोकोलॉजिस्ट होता है बेटा जो गायनी स्पेशलिस्ट होता है, गायनी स्पेशलिस्ट होता है, और गायनी का मतलब तो समझते होगे ना, जो स्त्री रोग स्पेशलिस्ट होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हो। ये होता है जो शिशु से शिशु रोग, मतलब जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है भाई, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, बेस्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन्होंने कहा अ पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड टू डिसाइड केसेज इन अ लो कोर्ट, एक ऐसा पब्लिक ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है किस चीज के लिए, टू डिसाइड मतलब डिसाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए केसेज के, इन अ लो कोर्ट मतलब कोर्ट में। तो यहां पे टीचर तो नहीं आएगा, ये तो स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये मेडिकल में होते हैं, लॉयर वकील होते हैं, वकील को डिसीजन लेने का हक नहीं होता है, तो कौन लेगा, जज लेगा। तो ऑप्शन यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका भाई साहब यहां पे जज यहां पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कहता हमें समझ में नहीं आया तो बता देना, बिल्कुल भाई। ओके, बिल्कुल आ गया, सभी का आ गया, बहुत ही बढ़िया। देखिए ऐसे जवाब दोगे तो बड़ा मजा आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। 31वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ओके, 30 का बी आएगा, ठीक है भाई। चलिए 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कहा एक ऐसा प्लेस, अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर, देखिए कुछ ऐसी चीज होती है भाई, मान लिया किसी की डेथ हो गई, तो वो जो शव होता है तो उसको दफनाने या जलाने से पहले जिस भी जगह पे रखा जाता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेड बॉडी को जहां पे रखा जाए तो उसे क्या बोला जाए। देखो यहां पे अपेरी वर्ड गिवन है, यदि ए वी आई होता, ए वी आई ए आर वाई, ए वी आई होता बच्चे, तो इसका मतलब होता पक्षियों से संबंधित, पक्षियों से संबंधित, हाँ पक्षियों से संबंधित। यदि एपीआई हो गया, एपीआई आ गया, तो इसका मतलब है मधुमक्खियों की बातें चली हैं, मधुमक्खियों से संबंधित हो गया, ठीक है। यदि मधुमक्खियों से संबंधित आ जाए तो अपेरी होता है, ये तो नहीं आएगा। इसका मतलब होता है शताब्दी, ये भी नहीं आएगा, नहीं, हाँ शताब्दी संबंधित, ये भी आपका नहीं होगा भाई, ठीक है। आगे जाओगे यानी कि 100 वर्षों का जो समय होता है, यहां पर जाओगे ये आपका हो जाएगा जहां पर शव को रखा जाता है, जहां पे शव को रखा था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये होता पुस्तकालय, पुस्तकालय तो ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट हो गए, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन यहां पे डी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, लिख लीजिएगा, डी ऑप्शन जो आपका होगा वो बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आ गया स्टडी ऑफ बर्ड। हाँ स्टडी ऑफ बर्ड क्या होता है, ये भी सही है, जो बर्ड की स्टडी होती है उसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पक्षियों का जो अध्ययन होता है, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाएगा, ऑर्निथोलॉजी बोला जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए इसको लिख लेना, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा एक बात बताना आप लोग, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू जल्दी जल्दी बताइएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, देखते हैं किस किस को पता है आपके बैच में। स्टडी ऑफ टिश्यू यानी उत्तकों का अध्ययन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, उत्तकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से, मजा आ गया तुम लोगों की क्लास में। ओके बिल्कुल भाई, नहीं टिश्यू कल्चर नहीं बोला जाएगा। हंस गए ना, तो उसे बोला जाता बच्चे हिस्टोलॉजी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाएगा हिस्टोलॉजी बोला जाएगा, इसे लिख लेना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाएगा हिस्टोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट,
मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसका यदि ब्रीफ अकाउंट बोला जाए, मतलब हल्का हल्का उसका देखा जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, उसको समरी बोला जाता है। इसका मतलब होता है जो स्वेच्छा स्वेच्छाचारी होते हैं, है ना। चलिए आगे जाओगे, इसका मतलब होता है अस्थाई, जो अस्थाई होते ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जो अपोजिट होता है, जो विपक्षी होता है, विपक्षी के लिए यूज होता है, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। चलिए एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया भाई इसको भी डाउनलोड कीजिएगा, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। यदि आपने एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो इस पे जॉब अलर्ट, पेड कोर्सेज, पीडीएफ, कोई पैसा नहीं लगेगा पीडीएफ का, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, यहां पे आपको मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे, अनलिमिटेड क्विज और प्रैक्टिस आपको मिलेगी, इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी यदि आप लोगों ने इसको डाउनलोड किया तो, है ना। एग्जाम्पल को ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड किया, कहां से डाउनलोड होगा, आप सबसे पहले अपने मोबाइल में जाइएगा प्ले स्टोर में, वहां पे जाके एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपनी मेल आईडी मोबाइल नंबर यहां पे डाल दीजिएगा, तो आपको ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अगेन एंड अगेन बता चुका हूं, यदि आप एमपी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो हम लोगों के सभी बैच आपके पास हैं भाई, सभी बैच आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एकलव्य बैच हो, नर्मदा बैच हो या मेघदूतम बैच हो, सभी टाइप्स के बैच आपको मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा। एक एक फैकल्टी आपको वो दी गई है जिसके पास एक इनफ नॉलेज है, इनफ ज्ञान है जिसके पास, है ना। और आपके एमपी के एग्जाम को निकालने के लिए ये सभी बैचेज आपके बहुत ही अच्छे हैं, आप कोशिश कीजिएगा इन बैचेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इनमें लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, सीए मैगजीन, पीवाईक्यू, डाउट सेशन, सब कुछ होता है ना। और बाकी इंग्लिश पढ़नी है तो आप लोग, मैंने बता दिया था आपको कि कहां पे आ सकते हो आप लोग, ये आपका हो गया। चलिए भाई, इसके अलावा आज हम लोगों ने लगभग लगभग बच्चे यहाँ पे कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं भाई आपके 32 क्वेश्चन हो गए ना, 32 क्वेश्चन पढ़ लिए। चलिए यहाँ पे चलते हम लोग, इन्होंने कहा आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, वैक्स मतलब मोम, है ना। यदि मान ली वैक्स, वहां पे कभी मैप आ सकता है, कभी वैक्स आ सकता है, ध्यान रखना। वैक्स के लिए बात की जाए, देखिए कार्टोग्राफी होता है मैप के लिए, ये तो मैप के लिए आएगा, मैप की यहां पे कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हुआ। आगे यहां पे गिवन है सीफोलॉजी, सीफोलॉजी क्या होता है, सीफोलॉजी होता है बेटा जिसको इलेक्शन का अध्ययन, यानी कि जिसको इलेक्शन की पूरी नॉलेज होती है, उसका जो अध्ययन होता है उसे सीफोलॉजी बोला जाएगा, इलेक्शन से संबंधित हो गया। एटाइमोलॉजी होता है बेटा नए नए शब्दों का विज्ञान, नए नए शब्दों का विज्ञान, नए नए शब्दों को यूज करना एटाइमोलॉजी होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा जी, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बिल्कुल भाई साहब। देखो अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी भाई, ओके ठीक है। अच्छा देखो, जितने बच्चे इस वीडियो को देख के जाएंगे, बाद में भी देख के जाएंगे, मुझे एक उम्मीद है भाई आप सभी बच्चे, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, दो क्वेश्चन देके जाता हूं, आप सभी बच्चे इसका जवाब दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग पक्का दीजिएगा। एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन देके जाता हूं, ये दो क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी बच्चे जवाब दोगे। बड़ा गंदा लगता है, एक तो आते ही कम हो तुम लोग, उसके बाद जो आते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में एक भी बच्चा जवाब नहीं देता है। जैसे क्लास खत्म हो जाएगी, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, शाम को, सुबह, जब भी आपके पास टाइम लगे, दिन में इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या होगा, क्लास कैसे लगी वो बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो जाते जाते या वीडियो देखने के बाद जो भी बाद में देखेगा सेशन को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत कीजिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे सेम टाइमिंग आपके 12 PM पे, टॉपिक होगा आपका ईडीएम का टॉपिक, आज हमने वन वर्ड पढ़े हैं, कल हम लोग ईडीएम को पढ़ेंगे, तो ईडीएम के टॉपिक को लेके कल आपसे मुलाकात होगी। सभी बच्चे टाइम पे आ जाइएगा, मेरी क्लास कभी भी लेट नहीं होती है। और जिसको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है तो इंग्लिश बाई अनिल एक नया बैच है, बिल्कुल पहली क्लास से मानकर चलो अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप उस बैच में आ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।